जय भीम दोस्तों, इस समय पूरे देश में 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर देश की जनता लगातार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर पोस्ट शेयर कर रही है। आखिर आज क्यों बेरोजगार दिवस देश भर की जनता मना रही है, इसको लेकर हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी और भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। उन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, जो खबरें आपके काम की हैं। और आपको बता दें कि आप SC ST OBC समाज से जुड़ी हुई खबरें हैं। सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करें तो जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, वो लगातार SC ST समुदाय पर जहां कहीं पर भी अन्य अत्याचार होता है तो वो उसकी आवाज उठाते हैं। इस समय चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की हर एक घटना पर ध्यान दे रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी दावे खोखले दावे निकले और यूपी में महिलाओं के साथ किस तरीके से बदसलूकी हो रही है, उनकी रेप की जा रही है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उनको आपको दादे की मौत के घाट उतारा जा रहा है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में राम राज्य कहने वाली BJP सरकार में अब जंगल राज्य बन चुका है और दिन रात उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थक और मनुवादी, जो आपको बता दें कि लगातार राम राज्य स्थापित होने का दावा करते रहते हैं, इसकी एक घिनौनी तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से, जहां बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि मैनपुरी जिले के थाना बेवर क्षेत्र अंतर्गत दौदपुर गाँव में एक बहुत ही जातिवादी घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें 3 दलित बच्चों को मंदिर के बाहर खेलने पर सामंतियों के द्वारा मंदिर का अपवित्र हो गया, यह कहकर उन्हें आपको बता दें कि बुरी तरीके से बंधक बनाकर उन 3 मासूम नाबालिग बच्चों को पीटा गया, यहां तक कि उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं। और इस तरीके की खबर आपको बता दें कि वास्तव में मन को झकझोर कर देती है कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद आपको बता दें कि दलित समाज के लोगों के साथ इस तरीके की जो है जातिवादिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और आप जो मैनपुरी है वहां पर यह घटना निकलकर सामने आई है। बता दें कि पीड़ित सनी प्रताप जाटव का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से परिवार में दहशत का माहौल है, भाजपा के स्थानीय विधायक व सत्ता पक्ष के लोग समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी को टैग करते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए लिखा कि इस तरह की घटनाओं में कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ साफ जातिवाद है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मैनपुरी में जो मंदिर के बाहर खेलने पर वह 3 बच्चों के साथ जातिवादी सामंतियों ने मारपीट की, उन्हें जाति सूचक गालियां दी, इस घटना पर चंद्रशेखर आजाद ने साफ चेतावनी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को दी है कि अपने आप ने राम राज्य में इस तरीके के सुधार कीजिए, नहीं ये राम राज्य नहीं जंगल राज्य। ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है, इसीलिए आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है उस पर 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के जो आलोचक हैं वही 17 सितंबर मोदी के जन्मदिन के दिन ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी का विरोध करते हैं। उन आपको बता दें कि अलग अलग यूजर हैं जो लिख रहे हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले हंसराज मीणा की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने लिखा
कि आज देश का युवा अपनी इस गलती का नतीजा भुगत रहा है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि तस्वीर में किस तरीके की तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज एक और पोस्ट शिवम यादव नाम के यूजर ने शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज हमारे इस गधे का जन्मदिन है, आज ही के दिन ये गधा धरती पर बोझ बनकर पैदा हुआ था, बधाई दे दीजिए आप भी, आप सभी इसे। ये आपको बता दें कि इस तरीके की पोस्टें शेयर की जा रही हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट जो है शेयर हुई है, जिसमें मनोज यादव ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि माँ रोज जेब देखे बेरोजगार बेटे की, कहीं जेब में सल्फास तो नहीं। ये वाकई आपको बता दें कि बहुत अच्छी लाइन है कि जो भाजपा सरकार में बेरोजगार युवा भटक रहे हैं वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए आईना दिखाने का काम मोदी को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाकर किया जा रहा है आज। लेकिन वहीं बसपा सुप्रियो मायावती के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। बहन जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। बहन जी ने प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। एक तरफ जहां उनके समर्थक या उनके शुभचिंतक मोदी को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके आलोचक हैं वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में ठेकेदारी पर सभी विभाग चले गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपको बता दें कि कई अन्य तरीके के विभाग हों, वो सब विभाग आपको बता दें कि लगभग ठेके पर पहुंच चुके हैं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो लगातार आपको बता दें कि यूपी में हो रही घटनाओं पर आवाज़ उठा रहे हैं, जमीनी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। तो बहन जी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। फिलहाल आपको बता दें कि जो बहुजन मीडिया है, वो ही जो बहुजनों की SC ST और दलित समाज की मजबूती के साथ खबरें उठाने का काम हम लोग करते हैं, इसलिए आप हमसे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर आप हमारे यूजर अर्जुन नैतिक TV को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अर्जुन नैतिक TV के नाम से हमारा पेज है, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरें हम आप तक लाने का काम करते रहेंगे।